तो सबसे पहले गिरीश जी, मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। आपने एज ए डेमो ज्वाइन किया है, और गिरीश जी मैं बताना चाहूँगा जिस ऐप का आपने डाउनलोड किया है, जूम ऐप है, जिसके जरिए आप हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है, उससे बातचीत कर रहे हैं, मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, मेरी कैमरा के जरिए मुझे देख पा रहे हैं, और ये जो है मोबाइल फोन पे, टैबलेट पे एंड सिस्टम पे, तीनों पे वर्क करता है। पर सिस्टम अच्छा रहता है क्योंकि सिस्टम पे रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी होती है, ताकि सेशंस को आप रिकॉर्ड कर सके, एक एक करके नोट करने की जरूरत ना पड़े, उसी सेशन रिकॉर्ड करके डिजिटल नोट तैयार कर ले, ताकि प्रैक्टिस में आपको दिक्कत ना हो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं, और उसमें सीखने का पर्पस क्या है, किस पर्पस से सीखना चाहते हैं आप? तो हम अभी एडवांस एक्सेल तो नहीं यूज किया, हम वो खाली वो MI एक्सेल यूज किया। हम ओके, समझ गया। कितने सालों से जॉब कर रहे हैं एमआई से? सबसे MI एक्सेल 2 साल। पहले चलिए मैं आपको अपने कोर्स को इंट्रोड्यूस करता हूँ। कोर्स मेरा क्या है, कौन सा कोर्स कराने जा रहा हूँ? ऐसे तो मैं बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास है, लेकिन जो आप सीख रहे हैं वो आप सीख रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, ओके, फॉर्मूला एंड डैशबोर्ड। अब इस कोर्स की पूरी डिटेल आपको जाननी हो तो आप मुझे, आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, वहां आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी। iptindia.com पे आते हैं तो यहाँ मेरे कोर्सेज हैं। एक कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल फॉर MIS रिपोर्ट। अब इसकी कंटेंट देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके कंटेंट PDF डाउनलोड हो जाएगा, और आप यहाँ पे सारे कंटेंट देख सकते हैं। तो इस कोर्स में मैंने A to Z एक्सेल के हर एक फीचर्स को, जो भी एक्सेल का फीचर्स है, सारे फीचर्स को मैंने कवर किया हुआ है। बेसिक टू एडवांस, हर फीचर को मैं बेसिक टू एडवांस पढ़ाता हूँ। फॉर्मूले की बात करें तो मोर देन आपको 200 फॉर्मूला, फॉर्मूला नेस्टिंग, एरर फॉर्मूला, डायनेमिक चार्ट क्रिएशन, रिपोर्ट ऑटोमेशन, मतलब कि मैं, देखिए मैं खुद जो है 15 साल से इसी फील्ड में वर्क कर रहा हूँ सर। मैं 2007 से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और 2004 से, तीन से आई थिंक, तीन के लास्ट ईयर से, लास्ट मंथ से मैं जो है क्लासेज, ये काम कर रहा हूँ एक्सेल के ऊपर। अभी भी मेरा फुल टाइम ट्रेनिंग नहीं है, मैं पार्ट टाइम ट्रेनिंग करता हूँ, बाकी टाइम पे मैं रिपोर्ट कंसल्टेंट का काम करता हूँ, तो ऑफिसों की क्रिटिकल रिपोर्ट को मैं ऑटोमेट करता हूँ। तो मैं जो भी आपको सिखाता हूँ आपके ऑफिस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिखाता हूँ। दूसरी जो हमारी क्लासेज होती है, एक पर्सनल क्लासेज होती है, मतलब कि क्लास में मोस्टली आप एक दो बच्चे ही होते हैं, मतलब अकेले ही होते हैं, या फिर हो सकते हैं तो एक से तीन ही होते हैं ग्रुप में, कोई लंबी बैच नहीं होती है। क्लासेस के अंदर में आप अपने हिसाब से कोई भी डाउट कभी भी पूछने के लिए फ्री है, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे इंटरप्ट करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आपको अगर टॉपिक के अलावा कोई सवाल है, जैसे कि काम करते समय कोई प्रॉब्लम हो गई, या इंटरव्यू देने गए थे किसी ने कुछ पूछ दिया, या किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम आपके पास काम एक्सेल में आ गई जो कि आप मुझसे हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझे उसी समय जिसमें प्रॉब्लम आए उसी समय कॉल, व्हाट्सएप करके मुझसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज क्लास में भी आके आके पूछ सकते हैं। हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे क्लास के बाद भी, जैसे आप कोर्स आपका खत्म हो जाता है उसके बाद भी कभी भी आपके मुझे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी सपोर्ट दूंगा। ओके सर, ठीक है सर। कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, अब चलते हैं हम अपना एक्सेल एप्लीकेशन पे। हमारा जो एक्सेल का एप्लीकेशन है ये आपको लेटेस्ट ऑफिस 365 में आपको ट्रेनिंग होगा, जो लेटेस्ट है। ओके, हो सकता है आपके पास में वर्जन ना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में पुराने वर्जन का पूरा आता है और नए वर्जन कुछ होते हैं, तो जो आप सीख रहे हैं तो नया वर्जन सीखे, ताकि इन फ्यूचर में जब आप अपग्रेड हो तो आपको दोबारा सीखने की जरूरत ना पड़े, आपको पहले से पता हो। और इस कोर्स में एक और बेनिफिट होता है कि आपको पढ़ने के लिए नोट, सैंपल पेपर, सैंपल बुक वगैरह भी दिया जाएगा आपको। साथ में हर क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, कभी अगर रिकॉर्डिंग आपकी लॉस हो जाती है तो मुझसे रिकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, मैं अपने पास एक रिकॉर्डिंग स्टोर रखता हूँ, बट आपके बैच का नहीं होगा, किसी और बैच का होगा और ले सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें कभी भी अपने कोर्स को रीज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपने अपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया या फिर बीच में ड्रॉप कर लिया, इन फ्यूचर में 6 महीने 1 साल बाद आपको लगा कि आपने कोर्स को दोबारा से रीज्वाइन या दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं, तो
तो उसके लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कोर्स को किसी पर्टिकुलर टॉपिक को या पूरी की पूरी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे टाइम लीजिए और उस पर्टिकुलर टाइम से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है गिरी जी, अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो अगर कोई आपके पास कुछ पूछना है, कुछ ऐसे डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा।